हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ साजिश और सियासत के साथ देश में अवैध घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। साथ ही यहां के युवाओं की नौकरी पर भी कब्जा जमा लेते हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि देश में हर एक अवैध बांग्लादेशी को वापस भेजा जाएगा। देश भर में करोड़ों घुसपैठिए घुसे हैं, वो भारत के गरीब का मानव अधिकार का हनन नहीं करते हैं क्या? वो जॉब प्राप्त करते हैं तो भारत के बच्चे की जॉब नहीं जाती है क्या? वहां से आतंकवादी इनके साथ घुटते हैं घुसते हैं, भारत की सुरक्षा में छिद्र नहीं करते हैं क्या? कई सारे बम धमाके में वो संदिग्ध पाए गए, इसकी किसी की जिम्मेदारी है या नहीं है? सरहदों को खुला छोड़ देना है आपकी वोट बैंक के लिए? हमने फर्म निर्णय दिया है एनआरसी में से, भारतीय जनता पार्टी वापिस नहीं जाएगी और चुन चुन कर सबको वो सूची में डालकर उसको इंगित करने का काम भारतीय जनता पार्टी। देश चुनावी साल में, और ऐसे में आपको ये समझना जरूरी है कि 2019 के लिए क्या चीजें अहम है और 2019 क्यों अहम है। अवैध घुसपैठ का मसला, क्योंकि इसके 4 राजनीतिक कारण है। पहला ये कि बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे से उसका वोट बैंक बढ़ेगा। दूसरा कि मुस्लिम तुष्टिकरण के लिहाज से भी इस मसले की अपनी अहमियत है। तीसरा ये कि घुसपैठ का मसला पूर्वोत्तर के लिए संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव है और इमोशनल मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है। और चौथा, विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिहाज से भी ये कारगर सियासी हथियार है। वहीं तेल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में सोमवार को दिल्ली में रामलीला मैदान के पास राहुल गांधी का मंच सजा था। दावा, विपक्ष की 21 पार्टियों के नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा करने का था। ना मायावती आई ना ही अखिलेश, कांग्रेस की ओर से गोलमोल जवाब दिए जा रहे थे। लेकिन आज खुद मायावती ने विपक्षी एकता के गुब्बारे की मानो हवा निकाल दी। साफ साफ कह दिया कि तेल के खेल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। अखिलेश की बुआ राहुल से नाराज, राहुल गांधी पर मायावती का पेट्रोल पंप, तेल के खेल में कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं। यूपीए 2 के शासनकाल के प्रारंभ में सन 2010 में पेट्रोल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का फैसला किया गया था। सोमवार को भारत बंद के दौरान दिल्ली में राहुल गांधी के मंच पर ना मायावती दिखी और ना ही अखिलेश यादव। 2019 से पहले विपक्षी एकता को लेकर सवाल कांग्रेस से पूछे, कल तो जवाब नहीं मिला, लेकिन आज खुद मायावती सामने आई और तेल के खेल में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया। बीजेपी के वर्तमान सरकार बनने के बाद फिर डीजल को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया, फिर महंगाई के बढ़ने के साथ साथ खेती व किसानी भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई। जाहिर है तेल की कीमतों को लेकर अखिलेश की बुआ जितनी बीजेपी से नाराज हैं, उतनी ही कांग्रेस से भी। सब आंदोलन कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, उसके बावजूद भी डीलर पेट्रोल बढ़ा दिया। अगर सरकारी महंगाई नहीं रोक सकती तो महंगाई कौन रोकेगा। तेल की बड़ी कीमत के बहाने कांग्रेस ने सोमवार को विपक्षी एकता के गुब्बारे में खूब हवा भरने की कोशिश की थी, लेकिन एक दिन बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकलनी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशित में अब बात मदरसों की करते हैं। मदरसा बोर्ड से मौलानाओं की मनमानी खत्म हो सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से राष्ट्रीय स्तर का मदरसा बोर्ड बनाने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय स्तर का कोई मदरसों को मान्यता देने के साथ साथ शिक्षा का एक स्तर तय करेगा। ये सिफारिश राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति यानी कि NMCMME ने की है। अभी देश में पंजीकृत और गैर पंजीकृत, मतलब रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड मदरसे हैं। पॉलिसी बनाए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। संविधान में सभी बच्चों को समान शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है, जिस पर अमल किया जाना बहुत जरूरी है। कक्षा 10 तक समान शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर बच्चा मजहबी तालीम हासिल करके मजहबी कार्य के लिए अपना भविष्य बनाने में इच्छुक है तो ये उसका खुद का निर्णय होगा। आप मदरसों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 30 में ये अधिकार, मौलिक अधिकार है सभी अल्पसंख्यकों को कि वो अपनी पसंद के इदारे, तालीमी इदारे कायम करें और शैक्षिक संस्थान वो चलाएं।